नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की संसद में कश्मीर पर बयानबाजी करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति की भारत ने आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करें। इसके साथ ही भारत ने तुर्की को पाकिस्तान के आतंकवाद पर ध्यान देने की नसीहत दी। बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के संसद में कहा था कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और हम चुप नहीं रहेंगे। उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के 2011 बैच के टॉपर और जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के संस्थापक शाह फैसल पर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि PSA लगा दिया गया है। शाह फैसल पर आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से नाराज दलित नेताओं ने इसे पलटने के लिए अध्यादेश की मांग के साथ न्यायपालिका में भी आरक्षण के लिए आवाज तेज कर दी है। इसके अगुआ बने हैं मोदी सरकार में मंत्री और LJP नेता रामविलास पासवान। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर दलित सांसदों ने रामविलास पासवान के घर पर बैठक की और आरक्षण के साथ इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के गठन पर सहमति बनाई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चेन्नई में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने शुक्रवार रात को जमकर लाठीचार्ज किया है। चेन्नई के वॉशरमैन पेट इलाके में नागरिकता कानून NRC और NPR के खिलाफ इकट्ठा हुए हजारों लोग केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। खबरों के मुताबिक हालात तब बिगड़ने शुरू हुए जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से जबरदस्ती हटाना शुरू किया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज करके वहां से लोगों को हटा दिया। देश भर में नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कई राज्यों ने भी इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस और राजस्थान सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ है और अगर जरूरत पड़ी तो वह सबसे पहले होंगे जो डिटेंशन सेंटर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अपने माता पिता के जन्म स्थान की जानकारी नहीं है, तो इस हिसाब से अगर डिटेंशन सेंटर जाने की बात आई तो सबसे पहले डिटेंशन सेंटर मैं जाऊंगा। आलोचना से तिलमिलाए चुनाव आयोग ने अपने पूर्व प्रमुख पर जोरदार हमला किया है। आयोग ने पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में आचार संहिता का उल्लंघन करने और नफरत फैलाने वाले बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें, पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा था कि नफरत भरे बयानों की झड़ी लगने के बाद मुझसे लगातार लोग ये पूछते जा रहे हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या कर रहा है। मेरा जवाब है कि इस तरह के काम जनप्रतिनिधि कानून ही नहीं भारतीय दंड संहिता के भी खिलाफ हैं। डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगाए जाने के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने UP सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक डॉक्टर नहीं बल्कि ठोक देंगे जैसे बयान देने वाले असलियत में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में दलितों, मुस्लिमों और विरोधियों के खिलाफ योगी सरकार लगातार रासुका का इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक डॉक्टर खतरा नहीं है, एक मुख्यमंत्री जो ठोक देंगे और बोली नहीं तो गोली जैसे बयान देता है वह पक्का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पुलवामा हमले को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि 2024 में चुनाव से पहले एक और पुलवामा अटैक हो सकता है। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि सत्ता में बने रहने के लिए मोदी सरकार ने 40 जवानों की जान का सौदा किया। बता दें, राहुल गांधी ने 14 फरवरी को ट्वीट कर कहा था कि आज पुलवामा हमले को 1 साल हो गया है, लेकिन सवाल है कि उससे किसको फायदा हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया गया। शिवसेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को विकासशील देश की सूची से हटाए जाने की आलोचना की है। शिवसेना ने कहा है कि अमेरिका के इस कदम से भारत को भयंकर दुष्परिणाम झेलने होंगे। बता दें, अमेरिका ने इस सप्ताह की शुरुआत में भारत और चीन सहित 24 अन्य राष्ट्रों को विकासशील देशों की सूची से हटाकर एक विकसित देश की सूची में रखने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद इन सभी देशों को अमेरिका द्वारा विकासशील देशों को दिए जा रहे लाभों के लिए अयोग्य माना जाएगा। बता दें, शिवसेना ने अमेरिका की ये आलोचना ट्रंप की भारत यात्रा से 1 सप्ताह पहले की है। चीन में कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों की संख्या 1523 हो गई है, वहीं मरीजों की संख्या 66,492 हो गई है। देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इसके अलावा अकेले शुक्रवार को ही 2641 नए मामले सामने आए, वहीं 1373 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।